सो गाइज आज हमारे सामने है Hyundai की वेन्यू एन लाइन एंड पीछे आप इसके क्रेटा एन लाइन भी देख सकते हो। ये है वेन्यू एन लाइन। करते हैं इसका जल्दी से एक वॉक अराउंड एंड जानते हैं इस गाड़ी में हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही प्यारी लग रही है ये इस कलर में, ये नया कलर आया है इसका। तो सबसे पहले तो कलर की ही बात कर लेते हैं, बड़ा प्यारा कलर लग रहा है। उसके बाद इसका अगर मैं आपको पूरा फ्रंट पे एक एक करके सारी चीज़ों की डिस्कस करूँ आपके साथ, तो यहाँ पे आपको Hyundai का लोगो देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पे बीच में आपको स्मोकी ग्रिल देखने को मिलती है बड़े बड़े ब्लॉक्स के साथ। जो नॉर्मल वेन्यू है उसमें ऐसी ग्रिल आपको नहीं देखने को मिलती, यहाँ पे आपको ग्रिल अलग देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको एन लाइन की बैजिंग देखने को मिल जाती है एंड ये हो गया Hyundai का लोगो। अब अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं तो नीचे यहाँ पे देखिए, नीचे आपको यहाँ पे स्किड प्लेट्स देखने को मिल जाती है सिल्वर कलर की, ग्रे कलर की एंड यहाँ पे आपको रेड स्ट्रिप्स देखने को मिल जाती है। एन लाइन में आप या ये जो इनकी थीम है वो आप देख सकते हो, वहाँ पे आपको क्रेटा एन लाइन में भी ये पूरी स्ट्रिप देखने को मिल जाती है। इसमें भी आपको ये स्ट्रिप देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको ड्यूल स्किड प्लेट्स भी देखने को मिल जाती है। ब्लैक बॉडी क्लैडिंग का भी इसमें काम है। फ्रंट में अगर मैं और दिखाऊँ इसकी लाइटिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ये हैलोजन में टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं एंड यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाता है लाइटिंग के लिए एंड यहाँ पे आपको एक हैलोजन में लाइट देखने को मिल जाती है। LED DRL इसके यहाँ पे हैं एंड जो इसका लाइट सेक्शन है ये पूरा लाइट सेक्शन हो गया इसका एंड ग्रिल इसकी काफ़ी बड़ी है एंड जो इसका लाइटिंग सेक्शन है वो बहुत ही प्यारा लगता है। यहाँ पे जो आप ये पूरी इसकी ग्रिल देख रहे हो वो आपको ऐसी थोड़ी थोड़ी सेम आपको T-Zone में भी देखने को मिलती है। तो ये जो Hyundai का पूरा एक DNA है गाड़ियों का वो सेम सही देखने को मिलता है हमें एंड बड़ा प्यारा लग रहा है इसका फ्रंट से। ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो खैर अंदर है लेकिन यहाँ पे आपको डैश कैम देखने को मिल जाता है एंड इसमें कोई भी आपको फ्रंट में जो ऊपर ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर का वगैरह कोई भी सेंसर ऊपर देखने को नहीं मिलता है। अब अगर मैं साइड की बात करूं तो साइड आपको मैं इसकी दिखा देता हूं इस गाड़ी की। ये देखिए, ये कुछ इसकी साइड प्रोफाइल है एंड साइड में आप जो रेड इंसर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा देखोगे। सबसे पहले आपको यहीं देखने को मिल जाता है, फिर ये पूरा यहाँ पे स्ट्रिप देखने को मिल जाता है बॉडी क्लैडिंग के पास। ऊपर आपको रूफ रेल्स पे रेड दिख जाता है एंड यहाँ पीछे भी व्हील आर्चेस पे भी आपको रेड फ्रंट में भी एंड रियर में भी दोनों तरफ देखने को मिल जाता है। बीच में आपको यहाँ पे कट एंड क्रीज देखने को मिलती है एक एंड उसके अलावा और ज़्यादा कट एंड क्रीज यहाँ नहीं है। ये यहाँ से शुरू होती है एंड यहाँ तक ये आगे तक जाती है व्हील आर्चेस तक। इसके टायर्स की बात करें तो टायर्स इसके 215/60R16 के हमें देखने को मिलते हैं एंड बड़े अच्छे अलॉय व्हील के डिज़ाइन हैं। रेड ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिल जाते हैं एंड एन लाइन की बैजिंग बीच में देखने को मिल जाती है। जो इसका अलॉय व्हील का डिज़ाइन है वो इसको काफ़ी स्पोर्टी बनाता है क्योंकि ऐसे आपने अलॉय व्हील नॉर्मली नहीं देखे होंगे गाड़ियों में, बड़े प्यारे लगते हैं। यहाँ पे आपको एन लाइन की बैजिंग देखने को मिल जाती है। रेड इंसर्ट्स मैंने आपको दिखा ही दिए हैं एंड ये है इसके ORVM। यहाँ पे आपको हैलोजन में आपको टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं एंड ऊपर आपको यहाँ पे शाइनी ब्लैक में पियानो ब्लैक फिनिश में आपको रूफ रेल्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको रेड इंसर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। फ्यूल फिलर कैप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, पेट्रोल में ये आती है एंड आप इसका ये स्पॉइलर देख सकते हो। ऊपर आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है एंड इसमें आपको एक इलेक्ट्रिक सनरूफ भी देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल पूरा जो इसका साइड लुक है वो कुछ इस तरीके का है, काफ़ी अपराइट इसका पूरा लुक है एंड काफ़ी अच्छी लग रही है। काफ़ी ये जो रेड डॉट्स इसमें हैं, रेड एलिमेंट्स हैं, स्ट्रिप्स हैं, वो बड़ी अच्छी लगती है इसमें। अब अगर मैं आपको पीछे का इसका दिखाऊं तो पीछे का लुक इसका कुछ इस तरीके का है। पीछे आपको यहाँ पे शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में आपको स्पोर्टी एक स्पॉइलर देखने को मिल जाता है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प एंड यहाँ पे आपको रियर डिफोगर देखने को मिल जाते हैं, रियर वॉशर एंड वाइपर आपको देखने को मिल जाते हैं। एन लाइन की बैजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, वेन्यू की बैजिंग यहाँ पे एंड यहाँ पे आपको Hyundai का लोगो मिलता है। कनेक्टेड आपको यहाँ पे इसकी टेल लाइट्स देखने को मिल जाती हैं एंड जब ये जल्दी है बड़ी प्यारी लगती है। यहाँ पे आपको हैलोजन में इसके जो टर्न इंडिकेटर्स हैं उनका ऑप्शन देखने को मिलता है। नीचे आपको यहाँ पे रिवर्स की लाइट देखने को मिल जाती है एंड ये रियर रिफ्लेक्टर है एंड ये देखिए ये काफ़ी इंसर्ट्स इसको काफ़ी स्पोर्टी लुक दे रहे हैं। पीछे भी आपको यहाँ पे पूरी रेड इंसर्ट जो रेड स्ट्रिप्स हैं वो दे रखी है एंड इसमें आपको 2 point रियर सेंसिंग आपको यहाँ पे रिवर्स सेंसिंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, रिवर्स पार्किंग एंड यहाँ पे आपको डुअल एग्जॉस्ट टिप देखने को मिलती है। आवाज़ भी काफ़ी प्यारी है एंड जैसा फ्रंट में आपको इसमें पूरा ट्रीटमेंट देखने को मिलता है वैसा ही पीछे है ये देखिए। और ये है इसका पूरा कुछ रियर का लुक, रियर का लुक भी काफ़ी अच्छा है। अब अगर मैं इसके बूट स्पेस की बात करूँ तो बूट स्पेस मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। बूट स्पेस इसका 311 लीटर का हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको दिखता है इसका जो पूरा हैजार्डियस लाइट का जो ट्रायंगल होता है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ये मिल जाता है लैंप एंड और बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब अगर इसके नीचे देखें तो नीचे इसमें आपको एक स्पेयर टायर देखने को मिल जाता है एंड ये है इसकी पूरी रिपेयर किट जो इसके ऊपर रखी हुई है। एंड अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ
तो साइज ये छोटा है एंड ये एलॉय भी नहीं है, 195/65 R15 का ये टायर है। तो ये टायर हमें छोटा देखने को मिलता है। ऊपर आपको यहाँ पे पार्सल शेल्फ भी देखने को मिल जाती है एंड फोर रोल यही था पूरा। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट के लिए लाइट देखने को मिल जाती है एंड ये है बूट को बंद करने के लिए, आप इसको बंद कर सकते हैं। अब चलते हैं अंदर एंड अंदर देखते हैं इस गाड़ी में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले फ्रंट में यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिल जाता है एंड ये इसी डोर पे मिलता है, उधर नहीं मिलता आपको, पैसेंजर साइड नहीं मिलता है। एंड इंटीरियर की अगर इसकी बात करें तो इंटीरियर में सबसे पहले अगर इसकी मैं डोर आपको दिखाऊं तो डोर पे यहाँ पे आपको एक ट्विटर देखने को मिल जाता है। ये इसका डोर हैंडल हो गया, डोर ओपनर हो गया, ये हो गया इसका लॉक एंड अनलॉक। यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं, डोर लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है एंड आपको पावर विंडो के कंट्रोल यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया है एंड अंदर क्रेटा एनलाइन की तरह इसमें भी आपको ये देखिए रेड स्ट्रिप्स देखने को मिलती है, रेड स्टिचिंग देखने को मिलती है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है एंड बाकी सारा इसमें हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे आपको एक बोतल होल्डर देखने को मिल जाता है एंड यहाँ आप छोटा सा यहाँ पे आपको और थोड़ा सा जगह दे रखी है तो यहाँ पे आप अपना कुछ सामान वगैरह भी, फाइल वगैरह भी रख सकते हो। यहाँ पे आपको एक स्पीकर देखने को मिल जाता है एंड अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो सीट्स इसमें हाइट एडजस्टेबल मिलती है, ये मैनुअल है एंड इसमें इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं मिल रहा है। नीचे आपको मेटल फिनिश में यहाँ पे आपको ब्रेक एंड एक्सेलरेटर दे रखा है एंड यहाँ पे आपको प्रॉपर डेड पेडल दिया गया है। ऊपर अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन, पुश स्टार्ट बटन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। अब करते हैं गाड़ी को बंद एंड देखते हैं अंदर इसमें क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ध्यान जाता है इस स्टीयरिंग पे, ये आपने क्रेटा एनलाइन में भी देखा हुआ होगा, ये है एक 3-spoke बड़ा ही स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील एंड इसके अगर मैं आपको रीच दिखाऊं, एडजस्टमेंट दिखाऊं तो ये सिर्फ हाइट के लिए आ जाता है, ये रीच के लिए नहीं है। तो ये टिल्ट है, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग नहीं है ये। बीच में आपको यहाँ पे Hyundai का लोगो देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको ADAS के कंट्रोल्स एंड इधर आपको सारे मीडिया के, वॉल्यूम के, वॉइस के सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। एंड इस गाड़ी में मुझे जो सबसे प्यारी चीज लगी वो है ये है तो पेडल शिफ्टर्स लेकिन ये मेटल फिनिश में दिए गए हैं। अगर आप इनको देखोगे दोनों तरफ आपको मेटल फिनिश में, तो क्वालिटी देखिए Hyundai ने कितनी प्यारी इसमें यूज की है। मेटल फिनिश में आपको ये मिलते हैं, वैसे आपने नॉर्मल गाड़ियों में देखे होंगे ये आपको प्लास्टिक में देखने को मिलते हैं एंड ये देखिए ये नीचे तक आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ पेडल शिफ्टर आपने बड़ी बड़ी गाड़ियों में, जो लग्जरी गाड़ियां होती हैं या स्पोर्ट्स कार होती हैं, उनमें आपको ऐसा देखने को मिलता है। बाकी वो सारे यहाँ पे बीच में पीछे यहाँ पे ही खत्म हो जाते हैं, ये देखिए नीचे तक। तो इसको पूरा स्पोर्टी फील दिया गया है अंदर से। अगर मैं इधर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट्स एंड टर्न इंडिकेटर्स के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एंड इधर आपको फ्रंट एंड रियर जो वॉशर एंड वाइपर है उसका कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एनलाइन की बैजिंग देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको मेटल फिनिश दी गई है, ये मेटल है एंड पूरा लेदर रैप्ड स्टीयरिंग है एंड यहाँ देखिए रेड स्टिचिंग आपको दिख गई होगी। तो पूरा ही ये लेदर लोडेड पूरा स्टीयरिंग व्हील है, काफी अच्छा लग रहा है, काफी प्रीमियम लग रहा है। यहाँ पे आपको ये देखिए एसी वेंट्स पे भी आपको रेड इंसर्ट्स दिए गए हैं जो कि काफी अपीलिंग इसको बना रहे हैं एंड करते हैं गाड़ी को स्टार्ट, देखते हैं गाड़ी में और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपने आवाज ही सुन ली, आवाज काफी अच्छी है इसकी, ये मैं आपको सुना भी देता हूँ, ये देखिए। तो एज यूजुअल Hyundai की जो ऑडियो क्वालिटी होती है वो हमेशा अच्छी होती है। तो करते हैं इसकी पूरी बात। यहाँ पे आपको ये ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है एंड ये है इसका डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड ऐसा आपने काफी बार देखा हुआ होगा। यहाँ पे आपको सारे फीचर्स इसके देखने को मिल जाते हैं, एक एक करके सारी बात करते हैं। तो यहाँ के कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, यहाँ से आप इसका पूरा MID कंट्रोल कर सकते हैं एंड इसमें काफी सारे फीचर्स हैं, जैसे आपने देखे ही होंगे Hyundai की सारी गाड़ियों में, किया की सारी गाड़ियों में। ऐसा आपने जो ये आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है ये आपने सेल्टोस में भी देखा होगा, सेल्टोस में भी बिल्कुल सेम मिलता है। तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग इन्फो देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पे आपको यूजर सेटिंग्स देखने को मिल जाती है बहुत सारी एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इसमें दिया गया है। ड्राइविंग इन्फो पे आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, सेंस रिफिलिंग, जितनी भी आप चीज़ें इसमें कंट्रोल कर सकते हो वो सारी आपको यहाँ पे दिख रही है। बाकी ये इसकी पूरी सेटिंग्स है, आप सेटिंग्स यहाँ पे बहुत सारी है, आप अपने अकॉर्डिंग आप सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हो। तो काफ़ी फीचर रिच है ये चीज़ें एंड अब अगर आगे बढ़ें तो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले इसमें देखने को मिल जाता है लेकिन वो वायर्ड है एंड यहाँ पे आपको और सारे फोन प्रोजेक्शन वगैरह, मीडिया वगैरह, ये सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं एंड नॉर्मल सा ही है, इतना ज़्यादा फीचर लोडेड नहीं है ये जितना हमें क्रेटा में एंड क्रेटा एनलाइन में देखने को मिलता है। बाकी है बड़ा प्यारा सा जो यहाँ पे ये बीच में पूरा फिट हुआ है,
तो करते हैं और आगे बात। यहाँ पे आपको इसके एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं एंड ये रेड इंसर्ट्स देखिए। यहाँ पे आपको सारे मैनुअल फिजिकल कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं मीडिया के लिए। ये आपको वीडियो, ये आपके ऑडियो कंट्रोल्स हैं एंड ये आपके जो ये FM है ये इसको चेंज करने के लिए या आगे पीछे इसमें करने के लिए वो है। यहाँ पे आपको मैनुअल डिमिंग IRVM देखने को मिल जाता है एंड इधर आपको मिलते हैं सारे केबिन लाइट्स के ऑप्शन एंड यहाँ पे आपको सनरूफ भी देखने को मिल जाता है। ये देखिए ये मैनुअली है लेकिन जब ये खुलेगा तो इसको आपको इस तरीके से खोलना होगा। ये देखिए ऊपर भी आपको पूरा ब्लैक ब्लैक देखने को मिलता है। ये देखिए पूरा ही ब्लैक ट्रीटमेंट है एंड पीछे भी आपको यहाँ पे लैंप देखने को मिल जाता है। रेड इसमें एम्बियंट लाइट आपको देखने को मिल जाती है एंड ऊपर ये पूरा आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलता है। ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसका देखने को मिल जाता है एंड ये काफी यूनिक आपने देखा होगा, ऐसा आपने काफी कम गाड़ियों में देखा होगा कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी है लेकिन मैनुअल सा लगता है। तो ये मैनुअल ही लग रहा है जैसे मैनुअल हो लेकिन ये ऑटोमेटिक है। नीचे आपको वायरलेस चार्जिंग के लिए पैड दिया गया है यहाँ पे एंड ये है इसका DCT डुअल क्लच ट्रांसमिशन इसमें आता है। यहाँ पे आपको N-Line की बैजिंग देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको रेड स्ट्रिप्स दी गई है। लेदर यहाँ पे इसका यूज हुआ है, बस यहाँ पे आपको ब्लैक इसमें स्टिचिंग है, बाकी हर जगह इसमें रेड स्टिचिंग है एंड रेड इंसर्ट्स है। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाता है, USB Type-C एंड USB Type-A का यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये है इसकी कुछ की, अगर मैं आपको इसकी की दिखाऊं तो वही टिपिकल जो Hyundai की एक की होती है वैसी ही है। यहाँ पे आपको Hyundai का लोगो मिल जाता है एंड इधर आपको डोर लॉक एंड लॉक बूट ओपनर एंड जो इसका रीबूट करने का ऑप्शन है ये देखने को मिल जाता है। ट्विन कप होल्डर्स यहाँ पे आते हैं एंड ये है इसका मैनुअल हैंड ब्रेक। ड्राइव मोड्स इसमें आते हैं तो ड्राइव मोड्स अगर मैं चेंज करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे इको है, यहाँ पे स्पोर्ट है, स्पोर्ट में ये रेड हो जाता है एंड नॉर्मल में ये ब्लू होता है। तो तीन ड्राइव मोड इसमें देखने को मिल जाते हैं। ये है इसका स्लाइडिंग आर्मरेस्ट एंड एक चीज मैं आपको बता दूं कि स्लाइडिंग आर्मरेस्ट इसमें आता है, क्रेटा N-Line में स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है ही नहीं, उसमें आपको फिक्स्ड आर्मरेस्ट देखने को मिलता है। इसके अंदर कोई भी ऐसा चार्जिंग वगैरह का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है एंड काफी छोटा सा है ये, इतना ज्यादा बड़ा भी नहीं है। सीटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको ये देखिए स्पोर्टी इंसर्ट्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको N बैजिंग दी गई है तो काफी अच्छी है एंड फिट एंड फिनिश भी बड़ी प्यारी है एंड मैं बैठा भी बड़ा कंफर्टेबली हूँ। मैं 6 feet से ऊपर हूँ लेकिन जो अंडर थाई सपोर्ट है यहाँ पे वो काफी अच्छा है एंड काफी कंफर्टेबल यहाँ पे आपकी ड्राइविंग होने वाली है। ये है इसका यहाँ पे ग्लव बॉक्स एंड ये कूल्ड है जो कि बहुत अच्छी चीज है एंड यहाँ पे इसके कुछ यूजर मैनुअल एंड फर्स्ट एड किट वगैरह रखी गई है। यहाँ पे भी आप फोन वगैरह रख सकते हो अपना बड़े आराम से। रेड स्टिचिंग यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो ओवरऑल काफी लोडेड है ये अंदर से। अब चलते हैं पीछे एंड पीछे देखते हैं इस गाड़ी में क्या क्या हमें देखने को मिल जाता है। तो अब अगर मैं पीछे की बात करूं तो यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर देखने को मिल जाते हैं, इधर आपको एक डोर हैंडल देखने को मिल जाता है एंड सेम केस दिस साइड, इधर भी आपको डोर हैंडल मिलता है लेकिन इधर आपको हुक मिलता है, इधर आपको कोई हुक देखने को नहीं मिलता है। बीच में यहाँ पे आपको जो केबिन लाइट्स है वो देखने को मिल जाती है एंड ये मैंने स्वाइप किया और ये बंद हो गई, ऐसा कुछ था क्या भाई, लेकिन हुआ ऐसा ही है। चलो पीछे आपको सरप्राइजिंगली आपको तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं जो आपको क्रेटा N-Line में भी देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड 3-seat belt देखने को मिल जाती है एंड ये मुझे काफी अच्छी चीज लगी इनकी। लेकिन अब यहाँ पे पीछे आपको सेंटर में जो आर्मरेस्ट होता है वो देखने को नहीं मिलता, तो ये अगर यहाँ पे ये चीज बढ़ाई है तो ये चीज घटा दी। यहाँ पे पीछे भी आपको पूरी स्पोर्टी सीट देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको एसी वेंट्स देखने को मिल जाते हैं, इसकी स्पीड आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो एंड पीछे आपको 2 USB Type-C के ऑप्शन देखने को मिलते हैं लेकिन यहाँ कोई फोन रखने की जगह पे यहाँ आपको नहीं दी गई है। अब अगर इसका सीटिंग कंफर्ट अगर मैं बताऊं तो ये आपको कॉम्पैक्ट SUV में आती है, ये 4 meter से कम है एंड तब भी इसका जो अंडर थाई सपोर्ट है वो काफी अच्छा है, काफी अच्छा है। मैं बड़े कंफर्टेबली इसमें बैठा हूँ, आप देख सकते हो इसका अंडर थाई सपोर्ट कितना प्यारा है। एंड लेग रूम की अगर बात करूं तो लेग रूम भी एडिक्वेट है क्योंकि ये स्कूप्ड आउट सीट्स हैं, तो स्कूप्ड आउट सीट्स में इसका काफी अच्छा लेग रूम बनाया गया है एंड काफी अच्छा है, काफी कंफर्टेबल है एंड क्योंकि टॉल बॉय डिजाइन है थोड़ा इस गाड़ी का तो हेडरूम की भी कोई कमी नहीं है इस गाड़ी में। क्योंकि यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा है तो मैं थोड़ा लाइट जला के दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पे ये स्कूप्ड आउट यहाँ पे भी ये चीज की गई है, तो यहाँ पे ये जो इसका हेडरूम है इसकी वजह से काफी अच्छा है। तो ओवरऑल जो इसके पीछे की भी सीटिंग है Hyundai में मैंने ये चीज नोटिस की है कि उनकी जो सीटिंग कंफर्ट होता है वो काफी अच्छा होता है एंड वो इस गाड़ी में भी कैरी होके आ रहा है। Hyundai की लेगेसी इसमें बहुत प्यारी है एंड अगर मैं पीछे से इसका पूरा डैशबोर्ड दिखाऊं आपको तो ये देखिए इसका कुछ डैशबोर्ड ऐसा लगता है। बहुत सारे इसमें रेड इंसर्ट्स दिए गए हैं एंड बहुत ही स्पोर्टी देखने को मिलता है। इसको देख के कोई नहीं कह सकता कि ये गाड़ी आपको सब 4 meter में
एंड 15-17 लाख के अंदर ये गाड़ी आ जाएगी, तो ये काफी अच्छी चीज है। एंड स्टेयरिंग पे जो कंट्रोल्स में जो मटेरियल यूज हुआ है, हैट्स ऑफ टू हुंडई, बहुत अच्छा मटेरियल यूज किया गया है। अब देखते हैं इसका इंजन, इंजन की स्पेसिफिकेशंस क्या है। यहाँ पे आपको इसका फ्रंट हुड ओपनर देखने को मिल जाता है, एंड मैं आपको जल्दी से इंजन दिखा देता हूँ इस गाड़ी का। इसमें आपको 1 लीटर टर्बोचार्ज 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है, ये देखिए टर्बो GDI। यहाँ पे कोई आपको इंसुलेशन देखने को नहीं मिलता है, एंड ये रीजनेबली हैवी है। 118 हॉर्स पावर ये जनरेट करता है, एंड 172 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, एंड इसका जो ऑफिशियल माइलेज है वो 18 किलोमीटर पर लीटर है। 45 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलता है। सो ये थी पूरी Hyundai Venue N-Line की आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो। आपको ये गाड़ी कैसी लगती है आपको ये गाड़ी, ये आपको ज़्यादा अच्छी लगती है या आपको नॉर्मल Venue ज़्यादा अच्छी लगती है, या आपको इसके कंपटीशन में कोई और गाड़ी अच्छी लगती है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।